द्वारका सेक्टर 23 पॉकेट 1 में आरडब्ल्यूए के चुनाव कराए गए। 2004 से बनी पॉकेट में 13 साल बाद आरडब्ल्यूए के चुनाव पहली बार हुए, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों के लिए निर्विरोध कैंडिडेट्स चुन लिए गए। केवल महासचिव पद के लिए चुनाव हुए और इस मौके पर लोगों से बात की। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट इंदु गर्ग हूँ, 24 नंबर में रहती हूँ यहाँ। अच्छा मैडम, जो यहाँ पे चुनाव हो रहे, ये इससे पहले यहाँ पे कभी चुनाव हुए या पहली बार हो रहे, और ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो चुनाव हो रहे उसकी स्थिति क्यों आई? देखिए, आपने 3 क्वेश्चन पुट किए मुझसे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पहले इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ ये पॉकेट 2004 में इस्टेब्लिश हुई, लोग अपने रूम में बैठ के इलेक्शन करते रहे। 160 MIG के फ्लैट्स हैं और अदर देन कश्मीरी माइग्रेटेड LIG DDA स्टाफ क्वार्टर्स हैं, तो उसमें 160 लोगों ने अपने आप घर में इलेक्शन करके RW बनाई हुई थी। लेकिन अब लोगों को लगा कि 411 में ही डेवलपमेंट होना चाहिए, आगे जो MIG में हो जाता है वो अपना डेवलपमेंट करके जो भी गवर्नमेंट फंड्स आते हैं अपनी पॉकेट में डाल के काम करते थे। पूरी पॉकेट के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा खर्च नहीं किया, ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया, इसलिए लोगों ने अवेयरनेस दिखाई और ये दोबारा इलेक्शन, मतलब फर्स्ट टाइम 411 का इलेक्शन हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश नाम है। अच्छा सर, जो यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं RW के, तो ये पहली बार हो रहे हैं? ये करीबन पहली बार हो रहे हैं। इससे पहले जो भी चुनाव यहाँ पर हुए हैं वो हमारी मर्जी से नहीं हुए, ना हमें बुलाया गया तो ना हमने कभी उसमें पार्टिसिपेट किया है। इसलिए हमने जो सीनियर सिटीजन हम यहाँ हैं, हमने अपने 4-5 आदमियों की कमेटी ऑर्गेनाइज की, जिन्होंने ये सोचा कि हम ये अपना चुनाव कराएंगे यहाँ पर, ऑर्गेनाइज कराएंगे, हमने ये फेयर चुनाव करवाया। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, आप भी यहाँ जैसे चुनाव हो रहा तो थोड़ा बताएंगे चुनाव के बारे में? हाँ, चुनाव इस पॉकेट में निष्पक्ष चुनाव कराने की जनरल बॉडी ने हम लोगों को 6 लोगों को ड्यूटी दी, जो हम निष्पक्ष करा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे मैंने सुना कि पहली बार यहाँ पे RW का चुनाव हो रहा, तो ये आप लोगों ने कमेटी बना के ऐसा निर्णय लिया या किसी और ने ये सहमति जताई इसमें? देखो ऐसा है, हम पहले 2004 में इन्होंने बनाई ये टोटल जो है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई वो दैट इज़ फॉर होल पैकेट, चाहे पैकेट में DDA के स्टाफ है या कुछ कश्मीरी माइग्रेंट्स जस्ट लाइक मी। तो उस वक्त जिन्होंने जो अपने उसमें रूम में ही मीटिंग कर लेते तो हमें उस चीज़ का कोई पता नहीं था। लेकिन जब देखा हमने जितनी भी प्रोग्रेस होती है, जितनी भी मेंटेनेंस होती है, वो आगे आगे होती है। MIG में 160 क्वार्टर है, इनके मोनोपोली जो थी इसको ख़त्म करने के लिए फिर हमने एक वरिष्ठ नागरिकों की टीम बनाई, 5-7 आदमी उसमें थे, जिसमें वन ऑफ देम। तो हमने कहा भाई ऐसा तो काम नहीं चलेगा, ह्यूमन जो है एक जैसा है और ह्यूमनिटी के तौर पर जैसे उनको सफाई चाहिए वैसे सुविधा हम भी, वी आर ऑल्सो रेजिडेंट्स। तो इसलिए हमने ये स्टेप उठाया और ओपन इलेक्शन कराया, उनको भी हमने इनविटेशन दे दी है, इनको भी बुलाया कि भाई यू ऑल्सो पार्टिसिपेट, ओपन कर रखा हमने, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो हमें तो वो आदमी चाहिए जो हमारे पॉकेट में डेवलपमेंट करे, ग्रीनरी है, सफाई स्वच्छता है, डेंगू है या कुछ है, जो हमारे को देखभाल करते जस्ट लाइक ह्यूमन्स। वो नहीं कि वो VIP आगे बैठे हैं, हम छोटे आदमी हैं, वो तो वैसे वो ट्रीट ही करते थे हमें, मदर ट्रीटमेंट देते थे कि मतलब वी आर नॉट ह्यूमन्स। तो इसलिए हमें बहुत मजबूर होके ये स्टेप लेना पड़ा। द्वारका सेक्टर 23 पॉकेट 1 में अध्यक्ष मुकेश कुमार सहरावत, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश और महासचिव नितिन कुमार चुने गए। कुल 411 वोट में से 186 वोट डले, जिसमें से महासचिव पद के लिए नितिन कुमार को 127 वोट मिले और विजयी घोषित हुए। नितिन जी, जो आप चुनाव में उठे हुए हैं, यहाँ पे जो आपकी पॉकेट है ये पॉकेट 1, तो इसमें कितनी वोट है? टोटल पॉकेट में 411 हैं और जो टोटल फ्लैट के वाइज इनकी वोटिंग है, फ्लैट वाइज वोटिंग है सारी 411। तो सर, ये यहाँ पे इतने दिनों से बना हुआ है, यहाँ पे लोग रह रहे, अब पहली बार क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ चुनाव की स्थिति आई? इस बारे में किसी को जानकारी ज़्यादा नहीं थी, जिसके आधार पे सभी जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड करा कि भाई एक टोटल एक कम्युनिटेट करके एक RW बनाया जाए।
वरुण शर्मा जी, जो यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं DDF फ्लैट सेक्टर 23 में, यहाँ पे पहली बार चुनाव हो रहे हैं या इससे पहले भी हुए? इससे पहले 2004 में हुए थे, उसके बाद RW का कोई इलेक्शन हुआ नहीं, कोई बॉडी बनी नहीं। जो लोग काम कर रहे थे वो एक वेलफेयर के उसमें काम कर रहे थे कि लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे और काम कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई अथॉराइज बॉडी नहीं थी ताकि हम सरकार को एड दे पाएँ या सरकार से एड ले पाएँ या कोई भी सरकारी अनुबंध से काम कर पाएँ। तो अब जो RW को हम जो इलेक्शन कराने जा रहे हैं अभी, उसका मेन मोटिव यही है कि हम लोग सब मिलकर काम करें, लोगों का सहयोग हो, प्लस हमें साथ में सरकार का भी सहयोग मिले काम करने में, केवल हम अकेले न लड़ते रहे। हर खबर दिल्ली।